ऑलराइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है इस चैनल में और मेरा नाम है सार्वेंद्र। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ मैं बहुत ही ऑसम मैनिपुलेशंस क्रिएट करता हूँ। आप इन सारी फोटोज़ की PNGs डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दो लिंक मिलेगी, एक टेलीग्राम की और एक डाउनलोड की मीडिया फायर से। तो दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पे टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ग्रुप आके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी PNGs मैंने वहाँ अपलोड कर रखी हैं, आप ये सारी फोटोज़ देख सकते हो। और ये जो आज मैं लेटेस्ट क्रिएट करूँगा वो अभी मैं पोस्ट करूँगा, मैंने पोस्ट नहीं कर रखी है। 12 बजे मैं पोस्ट करूँगा, जस्ट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हर किसी को पिक्सार्ट का ट्यूटोरियल चाहिए था। और जो फोटोशॉप का इस फोटो का ट्यूटोरियल था वो भी आने वाला है, जस्ट इसी वीडियो के बाद आएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल, वही मैं बना रहा हूँ, जस्ट इन प्रोग्रेस है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं पोस्ट कर दूंगा, सो उसके लिए भी वेट करें। और अगर ये जो फोटो लेटेस्ट है इसका ट्यूटोरियल चाहिए आपको तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें फोटोशॉप के लिए। तो जो जो करेगा जल्दी से कमेंट। अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने कहा कि फोटोशॉप, तो भाई मैं ज़रूर उसका भी फोटोशॉप का ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। यहाँ पिक्सार्ट में जंप कर जाते हैं जल्दी से और स्किप करता हूँ, तब तक आप यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाक से। और यहाँ ये सबसे पहली फ़ोटो है मेरी और ये जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही क्लिक करी थी मैंने। और यहाँ पे इस साइड पे मेरे हैंड था, वो लाइट थी जो जिससे मैंने अपने फेस पे ग्लो डाला है। तो इसमें कोई मैंने एडिट नहीं कर रखा अभी, जस्ट सिंपल है जैसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आ जाता हूँ, थोड़ा फ़ोन को रोटेट कर देता हूँ। सो इसमें यहाँ सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऐड फोटोज़ में। ऐड फोटोज़ में आके मैं यहाँ सबसे पहले, बहुत सारी कम PNGs हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 PNG और है ही नहीं। सो सबसे पहले यहाँ पे आके आपको ये PNG इंपोर्ट करनी है और ये बिल्कुल परफेक्ट ग्लो क्रिएट हो रखा है। अगर आपको सीखना है कि ये ग्लो कैसे क्रिएट होता है तो ये फोटोशॉप में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और पूरा ट्यूटोरियल अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। जिस जिसको सीखना है प्लीज़ कमेंट डाउन करें। सो यहाँ ये अच्छे से PNG सेट हो गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस PNG में, चाहे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इसमें ब्लेंडिंग मोड की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे स्क्रीन डॉज हार्ड लाइट पिन लाइट वो इसमें है ही नहीं, इस बार मैंने वो प्रॉब्लम रखी ही नहीं है। मैंने जस्ट आपके लिए एक सोलो अच्छे से क्रिएट कर रखा है और JBL का लोगो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ग्लो कर रहा है। सो JBL का इस बार मुझे आइडिया आया था जस्ट, तो मैंने उसका लोगो ग्लो कर दिया है, लाइक मूड पे डिपेंड होता है। और ये ओपन का स्टिकर था जो मैंने यहाँ हेड के ऊपर रखा था अपनी फ़ोटोज़ में। तो ये कैसे क्रिएट होगा, ये जस्ट यहाँ पे होगा और ब्लेंड में जाना है, स्क्रीन करना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको दिखेगा इसमें एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एज में ना बहुत थोड़े रफ आता है इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसे धीरे धीरे ऐसे रिमूव कर सकते हैं आप, सो उससे वो ख़राब नहीं लगेगा जस्ट, और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दें और ओपेसिटी भी अब थोड़ा कम कम रखें और लाइक धीरे धीरे यहाँ से जब वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो आपको खुद ही लगेगा यार कि हाँ परफेक्ट ब्लेंड हो गया है। सो यहाँ परफेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। अब इसके बाद भी इसमें बहुत काम है तो हम चलते हैं सीधा ड्रॉ में। ड्रॉ में बहुत ज़रूरी है यार इस बार, क्योंकि लेयर्स पे वर्क करना है हमें और ये न्यू लेयर है और इसके अंदर मुझे स्क्रीन चूज़ करना है, ठीक है। स्क्रीन चूज़ करने के बाद मुझे कलर चाहिए, कलर पिकर ले लेता हूँ मैं यहाँ से जल्दी से, और यहाँ से कोई एक सॉफ्ट पिंक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें, ये वाला, और ज़ूम कर लेता हूँ इसे और यहाँ थोड़ा 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 धीरे 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 ग्लो पेंट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं फ़र्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा गलत हो गया, एक ही स्ट्रोक में पेंट करना है लाइक ऐसे, ठीक है। फिर इरेज़र ले लेना और उसे साइड से ऐसे ऐसे श्रिंक करते हुए लाना, तो आप देख सकते हैं कैसे श्रिंक कर रहा हूँ मैं हर चीज़ को, उससे अच्छी खासी एक रिम क्रिएट हो जाती है। और यही टेक्निक है, धीरे धीरे आप इसमें थोड़े मास्टर हो जाएंगे जब क्रिएट करेंगे तो।
सो इससे यहाँ प्रिटेंड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने एक और न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है, न्यू एम्प्टी लेयर, और इसमें लेना है इस बार ओवरले, ठीक है। ओवरले में आना है आपने और यहाँ से कलर पिकर फिर से लेना है, और इस बार ये वाला, ठीक है। उसके बाद ओवरले से बहुत धीरे धीरे लाइक जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ लाइट चाहिए मुझे अच्छे से, तो वहाँ पेंट करना उस लाइट को। एक बार ब्रश साइज देख लेता हूँ, ब्रश साइज कुछ ज़्यादा ही है, ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ थोड़ी। तो थोड़ा थोड़ा पेंट करना है जिससे बस हल्का हल्का ग्लो क्रिएट हुए, कोई इतना हाई फाई नहीं करना है वहाँ पे, कहीं आप लगो कि उसमें बनाने लाइक आपको एक 10 रुपए का जो या 20 रुपए का जो बल्ब आता है 100 वाट वाला, वो भी आप ग्लो करके कर सकते हो। यहाँ मैंने ये फ़ोन के थ्रू ग्लो ले रखा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ ग्लो बनाना मेरे लिए कितना ज़रूरी था, ठीक है। अब यहाँ एक कलर और लेना है मुझे, और यहाँ थोड़ा सा लाइट ब्लू चाहिए मुझे, कि वहाँ से फ़ोन की रिफ्लेक्शन निकलती हुई दिखाई दे, ठीक है। और फिर यहाँ हैंड पे भी आपने थोड़ी थोड़ी ड्रॉ करनी है, तो आप देख सकते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और फिर जब बॉडी की साइड पे आएगी तो ब्रश साइज़ को इंक्रीज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे आराम से पेंट करते हुए आना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, आप इसे आराम से देख सकते हो ईज़ली। नॉर्मल स्पीड है, मैंने कोई स्पीड अप नहीं कर रखी है अपनी वीडियो, तो जब ऐसे ओवरले वाली चीज़ें होती हैं तो आपको ऐसे क्रिएट करना होता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ ग्लो भी क्रिएट हो गया है। सो यही है बेसिकली इस फोटो के अंदर। और अब जो भी है थोड़ा सा ये मेरे को ऑक लग रहा है हल्का सा, सो इसे थोड़ा सा फैदर आउट कर दूँ एक बार अच्छे से, आप सही है। और यहाँ डन कर देता हूँ मैं, सो यहाँ ये फोटो सेव हो गई है पूरी अच्छे से कंप्लीटली। अब इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर चलते हैं हम सीधा लाइट रूम के अंदर। सो यहाँ हम डायरेक्ट लाइट रूम के अंदर आ गए हैं, और ये फ़ोटो को मैंने ओपन कर लिया है। जस्ट इसके अंदर सेलेक्टिव में जाना है, सेलेक्टिव में आपने सेलेक्ट करना है सर्कल, ठीक है, और यहाँ से सर्कल वाले से फेस को सेलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है। लाइक पूरा अच्छे से अलाइन करके वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक इतना। फिर लाइट में जाने का, और फिर शेडोज़ को थोड़ा क्रैंक अप करना, ठीक है, और हाइलाइट्स को भी, उससे फेस पे ग्लो अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। जो आपका फेडेड सा लग रहा था फेस, तो यहाँ ये पूरी अच्छे से लग रही है अब मुझे। अब इसमें जस्ट अपने जो इफ़ेक्ट होते हैं वो सब कलर वाले, तो यहाँ से ब्लू ले सकते हो आप, लाइक जिस भी कलर में आपको ये टोन्स चाहिए आप उसमें कर सकते हो, सयान में कर सकते हो, ब्लू में, थोड़ा ब्लू मेरे को अच्छा लगता है। और लुमिनेंस इंक्रीज़ कर देता हूँ कि वो अच्छे से ग्लो हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यू सैचुरेशन में इससे आता हूँ कि JBL अच्छे से ग्लो रहे मेरा, ठीक है। अब उसके बाद डन कर देता हूँ मैं, और फिर शार्पनेस की तरफ आता हूँ, शार्पनिंग डिटेल्स थोड़े कम, रेडियस थोड़ा ज़्यादा आप फेस में देख सकते हैं,
फर्क, ठीक है। नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा सा चालू करके इसे कम कर देते हैं, जिससे फेस थोड़ा स्मूथ लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है। जस्ट यही चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ के ये दोनों ऑन कर दो, अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो उससे पता चल जाएगा। ये गलती से बैक हो गया था मेरे से। फिर यहाँ पे अब लाइट्स में थोड़ा सा आता हूँ और शेडोज़ को थोड़ा सा क्रैंक अप करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं। और यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और मैं इसे शेयर और सेव टू डिवाइस कर देता हूँ। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और फोटोशॉप का ट्यूटोरियल भी जल्दी आएगा अगर आप कमेंट डाउन कर देंगे तो। सो गाइस, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें।